सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाइफा स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो होगा हमारा एक और मॉडल पेपर होगा और ये मॉडल पेपर नंबर आपका 24 होने वाला है, ठीक है ना। तो इस मॉडल पेपर में हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। वैसे इस तरीके के प्रश्न मैंने आपके जो पिछले मॉडल पेपर थे उन सब में मैंने आपको करा दिया है। और एक बात को दिमाग में ज़रूर फिट रखना कि जो मेहनत करेगा वही अच्छे नंबर लेकर आएगा, जो डरता रहेगा, जो सोचता रहेगा कि पेपर की डेट आने के बाद हम पढ़ेंगे तब उसका कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ओके ना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर वन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन कह रहा एक राशि है, राशि मतलब नॉट अ गर्ल, राशि कोई गर्ल नहीं है, राशि मतलब एक अमाउंट धन जो ए बी सी में विभाजित किया जाता है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में। यदि उनमें से एक हिस्सा 2400 है तो आपसे पूछा है वह अमाउंट कितना है, वह राशि कितनी है। तो एक बार आप कोशिश कर लीजिए इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और आसान प्रश्न है, रेशियो का प्रश्न हो जाएगा, बेहद सिंपल क्वेश्चन ये होता है। मैं आपको बता दूं तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है, 7-8 बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। आओ देखो कैसे हम इस प्रश्न को लगाते हैं। सबसे पहले भाई, राशि कोई भी रही होगी डजंट मैटर, हमें नहीं पता कोई राशि होगी, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास तीन बंदे हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ये तीन बंदे हैं, तीनों को हमने लिख लिया। राशि कोई रही होगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम ये देखेंगे कि उस राशि में ए को कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है, यानी एक मिल रहा है 1/2 अनुपात, बी को कितना मिल रहा है 1/3, तो हमने लिख दिया 1/3, और सी को कितना मिल रहा है 1/4, तो हमने लिख दिया 1/4। अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका एक एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, एक फ्रेश रेशियो नहीं है। तो इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे, इसके लिए हम यहाँ से एक सरलतम रेशियो लेंगे। और जब भी कभी भिन्न में आपकी कोई संख्या है उसका हमें रेशियो यानी अनुपात लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे हर होते हैं उनका लासा ले लेते हैं। 2, 3, 4 का लासा कितना होगा, तो 2, 3, 4 का ऐसी संख्या लो जो इन सब से भी भाजित हो, तो हमें लग रहा 12 होगा, है ना। तो 12 से आप इसमें भी गुना कराओगे, 12 से आप इसमें भी गुना कराओगे, 12 से आप इसमें भी गुना कराओगे। भाई देखो, 12 दो से भी कट रहा, 12 तीन से भी कट रहा, 12 चार से भी कट रहा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 12 6 × 1 = 6, ये ए का हिस्सा आ गया, और यहाँ से काटोगे तो 3 × 4 = 12, 4 × 1 = 4, ये बी का हिस्सा आ गया, और सी के हिस्से की बात करें तो 4 × 3 = 12, 3 × 1 = 3, ये सी का हिस्सा आ गया है। अब बात करनी है कि अब जो भी राशि रही होगी वह इस अनुपात में बटी रही होगी, वो इस अनुपात में बटी रही होगी। अगर इस अनुपात में बटी है तो बस मेरे दोस्त, आपको कहा गया कि ए का हिस्सा कितना है, 2400 है। आप एक्स भी लगा सकते हो, इवन आप बिना एक्स लगाए भी सॉल्व कर सकते हो। भाई यहाँ पर अगर आप एक्स लगाओगे तो इनकी 6x इनको मिला, इनको 4x मिला, इनको 3x, एक्स से एक्स कट भी सकते हैं। मैं पूछूँ टोटल कितनी राशि थी, तो टोटल यही तो राशि रही होगी, और टोटल राशि कितनी थी, 4, 3, 7 और 7, 6, 13, यानी ये टोटल राशि हो गई 13x, ये कुल राशि है। आपको ए का हिस्सा दिया है कि ए का हिस्सा 2400, ए का हिस्सा कितना है 6x, यानी 6x की वैल्यू कितनी है, 2400 है। अब अगर आप यहाँ से x का मान पता कर लो और x का मान इसमें रख दो तो आपको कुल राशि पता चल जाएगी। तो x का मान निकालेंगे तो हमें पता है 6 से ये 2400 को काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 × 2 = 24,
400 बार में जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू 400 आ गई है। तो बस यहाँ से आप एक्स का मान रखोगे तो 13 × 400 हो जाएगा, 13 × 400 हो जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा 13 × 52 और ये 00 ऐड हो जाएंगे, यानी टोटल राशि कितनी थी 5200 थी। अब यहीं से अगर आपको डायरेक्ट पूछता कि बी का हिस्सा कितना, अगर ए का हिस्सा आप निकाल लिए हो, एक्स का मान अगर निकाल लिए हो 400, तो बी का मान 1600 हो जाता, सी का मान कितना हो जाता भाई 4 × 3 = 1200 हो जाता। भाई बात को समझ रहे हो ना, ये 4 × 6 = 2400 यहाँ से आ गया, ये तो ए का हिस्सा था ठीक है ना, और फिर 4 × 16 = 1600 ये बी का हिस्सा हो जाता और 4 × 3 = 1200 ये सी का हिस्सा हो जाता, क्योंकि टोटल राशि 6 × 4 = 10 × 3 = 13 और 13x हमारी कुल राशि थी। तो 1300 × 400 13 × 52 आपका सही जवाब है, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न संख्या 2 के ऊपर, और उसको भी हम लोग क्या करते हैं समझते हैं ठीक है ना, ये बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो वेरी गुड मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कितने गलत होते हैं आप लोग भाई कमेंट करके ही नहीं बताते हो, है ना, बताया करो जिससे हमें पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2000 रुपये को 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से, है ना, 20% वार्षिक दर से एक साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, और क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है, ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है, इस बात को जरूर याद रखना, तिमाही संयोजित होता है, जरा लगाओ इस प्रश्न को लगाने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन संख्या 2 है आपका, क्वेश्चन फिर से आपका पढ़ के बता देता हूँ, 2000 रुपये की राशि है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी है 20% वार्षिक, है ना, 20% वार्षिक आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, और कहा गया कि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, है ना। अब देखो मेरे भाई बात को समझो, अब आप बात को समझो ठीक है ना, बात को कैसे समझोगे जरा मेरे भाई गौर करो। यहाँ पर मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी, और वो क्या बताई थी कि जब भी आपका क्वेश्चन में कहेगा प्रति तिमाही या छमाही यानी हाफ ईयरली, है ना, यानी कि जिसको हम छमाही बोलते हैं, या आधा आधा वर्ष कह के कह देगा, तो आपको हमेशा रेट भी हाफ ईयरली लेना पड़ेगा और टाइम भी हाफ ईयरली लेना पड़ेगा। अगर तिमाही कह रहा है तो रेट भी 3-3 मंथ की लेनी पड़ेगी, और जो आपका टाइम होगा वह भी 3-3 मंथ का लेना पड़ेगा। तो बेसिकली इतनी बात आपको यहां पर याद रखना है कि जो प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया गया वो दिया गया है भाई 2000, सो मैंने लिख लिया प्रिंसिपल हमें 2000 दिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थी वो 20% पर एनम था, पर एनम का मतलब 20% वार्षिक था, अभी मैंने वार्षिक ही लिखा है ठीक है ना। और यहां पर आपको समय भी दिया है, टी की वैल्यू वो दिया है एक वर्ष आपको दिया है टी की वैल्यू। बात को समझ गए हो कि नहीं समझ गए। अब मेरे भाई देखो लास्ट में क्या कहा गया कि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता, तिमाही का मतलब जो ब्याज होगा वो 3-3-3-3 महीने पर इंक्लूड होगा, 3-3 महीने पर ब्याज जुड़ता चला जाएगा। तो मेरे भाई आप रेट को भी 3-3 महीने पर करोगे, एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है जरा बताओ, एक वर्ष टोटल 12 महीने का होता है, अगर 3-3-3 के गैप बनाओगे टोटल 4 गैप बनेंगे, क्योंकि 3 × 12, तो हम इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगी वो आएगी 5% तिमाही। इस बात को आप समझ गए होंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% तिमाही आ गई। समय एक वर्ष है, एक वर्ष ना कहकर हम क्या इसको 12 मंथ कह सकते हैं भाई, 12 मंथ हमने कह दिया समय था, 12 मंथ मतलब एक वर्ष, एक वर्ष को 3-3 महीने के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो मतलब 4 से भाग करेंगे, तो टाइम हमारा कितना आएगा
थ्री मंथ आएगा। अब आपको क्या रखना है कि अब आपको इस डाटा को भूल जाना है, इस ऊपर वाले डाटा को भूल जाना, सारा खेल आपको इस डाटा से खेलना है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है तो हम फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का लगाएंगे, ए बराबर पी ब्रेकेट में 1+KR/100 है ना। अमाउंट यहाँ से निकालेंगे, प्रिंसिपल हमारे पास है 2100, मैंने मेंशन कर लिया 1+, रेट हम 20% नान रख कर 5% रखेंगे, तो ये 5/100 हो गया 100, और इसकी पावर टाइम कितना हो जाएगा 3, ये समय 3 हो गया। 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 एकम 20 21/20 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा भाई 2000 × 21/20। और कितनी बार लिखेंगे ज़रा बताऊँ तो सभी लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो कि सर यहाँ पर समय 3 बार है, सो इसलिए हम 3 बार लिखेंगे, क्योंकि जितनी पावर उतनी बार लिखेंगे। काट देते हैं, ये हमारे 3 0 से 3 0 क्या हो गए, ख़त्म हो गए। 2 से काटेंगे तो 2 × 20 हो गया है ना, सॉरी 2 × 1 = 2 हो गया, क्योंकि 3 0 कट गया ना, तो 2 × 1 = 2 हो गया। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना। नीचे आपके 4 बचा, ऊपर 21 बचा, 21 × 21 × 21 करोगे तो निकल कर आएगा 92 61। चूँकि 21 का स्क्वायर 441, 441 में 21 से गुणा कराओगे 92 61, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 × 4। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे 4 × 8 एक बच गया, 12 × 4 = 12, 6 × 4 = 2 यहाँ हो गया 21, 4 × 5 = 20, 4 × 8 4 × 5 = 20, यानी 2315.25 रुपये क्या आया आपका, ये अमाउंट निकल कर आया है, ये मेरे भाई अमाउंट आया। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस के पी। अमाउंट कितना है 2315.25, ये है 2315 और 0.25 माइनस कर दोगे 2000, तो वी कैन से दैट आंसर कितना आएगा 315.25 रुपये आपका आंसर होगा। 315.25 रुपये आपका क्या आएगा उत्तर आएगा। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। नोट करो, नेक्स्ट पे पहुँचते हैं अपने प्रश्न संख्या नंबर 3 पर, है ना। फटाफट तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं और देखते हैं वो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ तक की बात क्लियर बिल्कुल डन हो गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और उसकी भी बातों को समझते हैं। प्रश्न संख्या 3, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी राशि का 24% की दर से 24% की दर से क्या कह रहा है, दो साल का ब्याज वो कितना दिया गया है, वो दिया गया 9600। 2 साल का ब्याज 9600 है, तो आपसे नॉर्मली पूछे हैं कि धन क्या है। धन आपसे पूछे हैं, मीन्स आपसे राशि पूछे हैं कि राशि ज्ञात करो। ये लगाओ प्रश्न, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। इस प्रश्न में कहीं आपसे ये नहीं कहा गया कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, और मैंने आपको अच्छे से बता रखा है जब भी कभी इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाएगा कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है, कहीं लिखा नहीं मिलेगा, हमेशा उसको आप सिंपल इंटरेस्ट पर कैलकुलेट करोगे, ऐसा परम शक्ति है यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई बात को समझो, भाई हमारा अमाउंट क्या है वो तो पता नहीं, सिंपल इंटरेस्ट पता है, सो मैं यहाँ पर मान सकता हूँ कि माना हमारा धन कितना है। मैं मानूंगा कि जो हमारी राशि है, जो धन है, वो 100 रुपये है। अब यहीं से सारा चीज कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T / 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल है मेरा 100, तो हम रखेंगे 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 24%,
टाइम है 2 साल उधर कोपचे में लिखा हुआ है और बटे क्या हो जाएगा 100। ये 100 से 100 ख़त्म, यानी यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 24 दुना 48 निकल कर आएगा। यह सिंपल इंटरेस्ट 48 निकल कर आया आपके हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन कह रहा ना जी ना, ये आपके हिसाब से आया, लेकिन हमारे हिसाब से साधारण ब्याज कितना 9600 रुपये। तो ये 48 किसके बराबर होगा? ये 48 बराबर होगा 9600 के। तो मैं कह दूं एक किसके बराबर होगा, तो एक 48 दुआ कितना होता है 96, यानी 200। एक 200 के बराबर। आपको धन बताना है, धन मतलब 100 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो 100 के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुणा करा दोगे, यानी 2 जीरो चिपका दोगे, तो 20,000 आपका क्या आएगा, सही जवाब आ जाएगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी, 20,000 क्या होगा आपके प्रश्न का, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपके प्रश्न का, 20,000 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। डन मेरे दोस्त ना? चलो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या 4 पर पहुंचेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, इतना पढ़ चुके हैं मेरे भाई ना कि अब वो कहते ना बुजुर्ग हो चुके हो आप, ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ते पढ़ते ओल्ड मैन हो चुके हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस में है आपका एक्स क्यूब और फिर है आपका प्लस में 12x² के गुणनखंड करो। इसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, यानी गुणनखंड करने। चलो भाई करके बताओ, फटाफट करो इसके गुणनखंड, ठीक है ना, जल्दी से करके आपको बताना है। चलो भाई कोशिश करो बताने की। चलिए भाई अब देखो इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे, उस बात को थोड़ा सा हम समझते हैं। भाई हमें पता है कि हम डायरेक्ट इस प्रश्न को नहीं लगा सकते हैं, लेकिन गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें इसको द्विघात बहुपद के रूप में बनाना पड़ेगा। तो आप एक चीज़ यहाँ से महसूस कर पा रहे होंगे क्या, कि तीनों पद, यहाँ तीन पद हैं और तीनों पद में कॉमन मिल रहा, क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर। कॉमन क्या होता है, जो तीनों में डिवाइड हो, सबसे छोटी पावर कॉमन ले लेते हैं। तो इन तीनों में कॉमन आपको एक्स स्क्वायर मिल रहा, हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा एक्स और यहाँ बच जाएगा 12। तो आप एक चीज़ देखो जरा, क्या मैं इतनी चीज़ को जो ब्रैकेट के अंदर है, क्या यह आपको इस तरीके का नहीं लग रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इस तरीके का लग रहा, बिल्कुल सर लग रहा है। तो इसको हम जो एक्स स्क्वायर बाहर चल रहा है एज इट इज़, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 को क्या कह सकते हैं, 4 × 3 = 12, क्योंकि हमें प्लस में 1x चाहिए, तो प्लस में 4x और माइनस में 3x, प्लस का क्या हो जाएगा 12, यो ब्रेकेट में बंद कर लियो। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, यहाँ कॉमन मिल रहा और यहाँ कॉमन मिल रहा, इधर कॉमन एक्स मिल रहा, तो ये एक्स प्लस में क्या हो जाएगा 4, क्योंकि एक्स से एक्स तो जय श्री राम, यहाँ माइनस के 3 एक्स, ये भैया एक्स हो गया, माइनस माइनस का कॉमन लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, -3 × 12, क्योंकि जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह परिवर्तित तो हो जाते हैं, जब भी माइनस में कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स प्लस में 4, ये एक ब्रेकेट में आ जाएगा, नेक्स्ट ब्रेकेट में एक्स माइनस के 3 आ जाएगा और ये आपका आंसर भी आ जाएगा, यही आपके गुणनखंड होंगे। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, नोट करो मेरे भाई, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर ना? चलो भाई अब हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जरा इसकी बातों को समझना। ये कह रहा है कि किसी शंकु की त्रिज्या, कोई आपका शंकु है, किसी शंकु की त्रिज्या, आपको रेडियस दी गई है शंकु की, किसी शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा आपको ऊंचाई दिया है यानी हाइट दिया है, और वो कितना दिया है, हाइट दिया है त्रियक ऊंचाई, सॉरी ये ऊंचाई नहीं, ये त्रियक ऊंचाई है ना, त्रियक ऊंचाई आपको दिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे वो दो चीज़ें जानने की कोशिश कर रहा है, एक तो आपको वो आयतन पूछे है, वैल्यूम, आयतन और संपूर्ण पृष्ठी क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया पूछे है, संपूर्ण पृष्ठी का क्षेत्रफल दो चीज़ आपसे पूछे है, और आप बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ भाई, कोशिश करो लगाने की, और देखो क्या आप लगा पा रहे हो ऐसे क्वेश्चनों को। और ये क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन है, इसको मैंने करा रखा है पहले से, है ना, इसको मैंने पहले से करा रखा है। अगर शंकु कैसा है ये आप समझ पाए हो तो आप प्रश्न को लगा पाओगे। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई, शंकु कैसे बनता है। शंकु इज जस्ट लाइक अ जोकर की टोपी, शंकु बनता है जोकर की टोपी के समान, ऐसे बनता शंकु, बोलो ऐसे ही तो बनता है शंकु। अब आधार का क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या, ये आपका सर्किल है, ये सेंटर होगा, तो ये आपकी रेडियस होती है, ये क्या होती है त्रिज्या, ये होती आपकी आर, और इस पॉइंट से आप इसको मिलाओगे तो ये आपका क्या निकल कर आता है, ये मेरे भाई क्या निकल कर आता, इसको बोलते हैं हाइट, इसको क्या बोलते हैं हाइट, और ये जो कोपचे में ना तिरछा लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एल, एल मतलब क्या होता है तिरियक ऊंचाई, इसको बोलते हैं हम तिरियक ऊंचाई बोलते हैं, बात को समझ पाए हो ना, इसको तिरियक ऊंचाई बोलते हैं। अब आप एक बात को समझो जरा, आपको मैंने कुछ फार्मूले बताए थे कि त्रियक ऊंचाई आप कैसे ज्ञात करोगे, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल, यह क्या है एक आपका समकोण है, और समकोण है त्रिभुज है, तो ये भुजा कर्ण हो जाएगी, ये आपका एक आधार एक लंब हो जाएगा। तो त्रियक ऊंचाई बराबर क्या, मैंने लिखा था कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है, ये बात मैंने बताई थी। और मैंने बताया था जब भी कभी वैल्यूम यानी आयतन पूछेगा तो आयतन कितना होता है 1/3 πr² h, ये आपका आयतन होता है। मैंने कहा था अगर भाई टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, तो ये होता है आपका पाई आर, ये क्या होता है आपका पाई आर ब्रेकेट में होता है एच प्लस में आर, इतनी बात आपको याद रखनी थी। और इन्हीं ये दो फार्मूले आपको यहाँ पर तो ज़रूर याद रखने हैं, ये तो आपका एक मैं कह लूँ तो पाइथागोरस परिमेय वाला फार्मूला होता है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी चीज़ समझ में आई है तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। जरा आओ देखो कैसे देते हैं, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं। अब देखो भाई आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो चीज़ जरा देखो, क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, एक तो आपको रेडियस दिया गया कितना, तो 3 सेंटीमीटर, देन उसके बाद आपको त्रियक ऊंचाई मतलब एल की वैल्यू दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, क्या आपको कहीं ऊंचाई दिया है, ऊंचाई नहीं दिया, तो ऊंचाई किससे निकालेंगे, इस वाले फार्मूले से हम ऊंचाई निकालेंगे, इस वाले फार्मूले से। तो जब यहाँ ऊंचाई निकालेंगे तो हमें पता है कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है, एल की वैल्यू रखो 5, तो 5 रखोगे 5 का स्क्वायर बराबर एच आपको ज्ञात करना है प्लस में आर, आर कितना है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस से इधर माइनस में ले आओगे 9, ये माइनस में कितना आ जाएगा 9, और बराबर क्या बच जाएगा एच स्क्वायर, 25 में से 9 जाएगा 16 स्क्वायर हटाओगे रूट में आ जाएगा, यानी एच की वैल्यू अंडर रूट 16 यानी एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हाइट आपको पता चल गया कितना है 4 सेंटीमीटर, अगर हाइट पता चल गया तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वैल्यूम निकालेंगे, वैल्यूम मीन्स हम सबसे पहले आयतन निकालेंगे, और आयतन क्या होता है 1/3 π
पाई आर स्क्वायर एच होता है। वैल्यू रखेंगे तो एक बटे तीन पाई आर का मान होता भैया 22/7 इंटू आर। आर कितना है? आर है 3 और 3 का स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 9। और एच एच कितना है? एच कितना निकाले हो भैया? 4। एच निकाले हो 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। 3 से कट रहा, 3 × 3 = 9 हो गया। गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 22 × 2 = 88 है ना, ये हो जाएगा 88 × 3/7। जब इसको सॉल्व करोगे 8 × 3 = 24 × 4 = 2 × 8 = 24 = 25 = 26 264/7। और चूंकि वैल्यूम है हमारा तो वैल्यूम हमारा घन में आता है यानी सेंटीमीटर क्यूब, 264/7 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा घन आ गया, ये हमारा वैल्यूम आ गया। अब हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बताना है, तो आओ जरा देखो कैसे बताते हैं भाई। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर, एच पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर, यही होता है ना भाई? ठीक है, चलो देखो पाई आर की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर आर कितना? रेडियस 3 है तो ये हो जाएगा 3। ब्रैकेट में एच और आर 4, 4 और 3 = 7 यानी 4+3 है ना। तो अब देखो भैया ये हो जाएगा हमारा 22 × 7 × 3 और 4, 3, 7 से 7 कैंसिल 22 × 6 = 6 और टोटल सरफेस एरिया हमेशा वर्ग में होता है स्क्वायर में। आपका करेक्ट जवाब है, नोट कर सकते हो, इसको आप नोट करिए। फिर आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। थोड़ा सा यहाँ पर मेरे दोस्त हमसे गलती हो गई है, थोड़ा सा गलती हो गई है, थोड़ा क्या, पूरी की पूरी गलती हो गई है। हमने आपको जहाँ H प्लस R बताया है हमें डाउट ही था, बट अब कंफर्म हो गया, मैंने देख लिया है। यहाँ H जहाँ था यहाँ पर आप L करोगे, L प्लस R होता, पाई आर एल प्लस में आर, माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन ये आपका एल होता है यानी ये हो जाएगा 22/7 इंटू के आर। आर कितना है? आर है आपका 3 और एल, एल कितना निकाले हो? तो एल पहले से दिया गया था आपको 5, आर दिया गया था 3, तो 5 × 3 = 8 डायरेक्ट आप यहाँ पर 8 कर सकते हो। तो ये आप निकालोगे तो ये कितना निकल कर आएगा भाई? कितना आएगा? तो 8 × 3 = 24, 24 × 22 ये हो जाएगा 24 × 22 = 7। तो 22 × 4 = 88 हासिल कितना आ गया? 8, 22 × 2 = 44 और 8 × 4 = 52 528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात को समझ गए हो ना? ये आपका उत्तर हो, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, नोट करो। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, इसको नोट करो भैया, फिर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। ठीक है ना भाई, 22/7 हो गया, ठीक है भाई, 3 का स्क्वायर 9, 3 × 3 = 9, 22 × 66, 66 × 6 = 24, 24 × 2 = 40 हो गया और 6 × 2 = 24, 40 × 7 = 64, ठीक है आंसर राइट है। आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है ना। देखिए फार्मूले होते हैं जो अगर ज़रा से भी मिस्टेक होता है, चाहे हम हो चाहे आप हो, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और ये प्रैक्टिस से ही होता है, तो आप भी प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद भी हमसे गलतियां होती हैं फार्मूलों में, तो आपसे भी तो हो सकती हैं। देखो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, जरा उसकी बात को समझना। ये कह रहा एक घन का आयतन, एक घन का आयतन आपको दिया गया है, एक घन का आयतन वो कितना दिया? 1458 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे पूछा है कि घन की कोर क्या होगी, घन की कोर क्या होगी ये आपसे पूछे हैं, जरा बताने की कोशिश करो क्या होगी घन की कोर। ठीक है ना, देखो घन आपका कैसे बनता है? घन वर्ग का होता है, लेकिन वो घन आपका एक 3D होता है,
ठीक है ना। तो इसमें हमें वैल्यूम होता है, सरफेस एरिया होता है ना, ये सब बातें होती हैं। तो घन का हमें डायरेक्ट ये पता है कि घन का जो आयतन होता है वो आयतन होता है भुजा क्यूब। वो आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। यहाँ से आप निकाल लीजिए आयतन कितना दिया है 1458, और भुजा क्यूब का मतलब क्यूब रूट इधर आ जाएगा, उधर आपका क्या बचेगा? भुजा बचेगा। क्यूब रूट निकालो तो कैसे निकालोगे? अभाज्य गुणनखंड करके। तो आप 1458 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, ऐसे नहीं याद है कोई बड़ा दिक्कत नहीं। 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, 729। भाई अब ये किससे कटेगा? 2 3 से कट जाएगा, ठीक है ना, 3 से कट जाएगा। तो जब 3 से काटेंगे तो 3 से कैसे काटेंगे जरा देखो, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, है ना, 3 से काट देंगे, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 से काटेंगे, 3 3 9, और 3 से काटेंगे, 3 1 3, है ना। अब देखो आप 3 3 के दो पेयर बन रहे हैं, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, तो यहाँ से ये 3 आ जाएगा, यहाँ से ये 3, 3 × 3 9, 3 × 3 9, ये 2 का नहीं बन रहा तो 2 को रूट में रख दो, क्या प्रॉब्लम है। तो ये हो जाएगा 9√2, 9√2 सेंटीमीटर आपका सही जवाब होगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हो? 9√2 आपका सही जवाब होगा। अगर आप देखना चाहते हो कि हमारा आंसर क्या ये आएगा तो आप चेक भी कर सकते हो, इसका इसी संख्या का 3 बार गुणा कराओ, 1458 आएगा। 9√2 × 9√2 × 9√2 करोगे तो 1458 आएगा, 9 9 81, 9 भैया 729, और ये 2 और 2 कितना आ जाएगा भाई? √2 √2 √2, ये आपका आ जाएगा 2 × के आपका हो जाएगा √2, ठीक है ना, 2 × के √2। कहीं गड़बड़ी हो रही है क्या भाई? जरा देखो आयतन होता है भुजा क्यूब, ठीक है भाई, 2 7 14 हो गया, 2 2 4, 2 9 18 हो गया, ठीक है भाई, क्लियर है। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, नीचे तो बाकी सब सही है। तो ये 2 9 18, 2 2 4 1 5, 2 7 14, 1 15, 1558 √2 आ रहा है भैया। ये √2 कहाँ से आ गया? कोई गड़बड़ी हो रही क्या भाई? वैसे हमारी समझ से तो इतना ही आंसर आना चाहिए, बाकी देखो आप चेक कर लेना इस क्वेश्चन को, मैं भी चेक कर लूँगा, फिर अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूँगा। वैसे दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, हम उसमें देख लेंगे, जितना भी आंसर होगा मैं आपको बताऊँगा। बहरहाल ये मानिए कि 90% हम इस ऑप्शन पर जा सकते हैं कि 90% हमारा ये ऑप्शन सही है, फिर भी डाउट चेक कर लेना इसको ऐसे करके, अगर इतना नहीं आ रहा है तो फिर बात, ठीक है ना, चलो ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, अपने क्वेश्चन संख्या 7 पर। क्वेश्चन संख्या 7 पर पहुंचते हैं और उसको जरा समझिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ये मेरे भाई क्या कह रहा कि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की रेडियस आपको दिया गया है कितना? तो 21 सेंटीमीटर, और आपको कहा गया त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का जो एंगल है वो दिया गया है, कोण कितने डिग्री दिया गया है? तो वो कोण आपको भाई कितने डिग्री? 30 डिग्री, 30 अंश है। तो पूछे हैं त्रिज्यखंड की लंबाई ज्ञात करो, त्रिज्यखंड की लंबाई आपसे पूछे हैं भाई, त्रिज्यखंड की लंबाई बताओ, त्रिज्यखंड की लंबाई इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ, त्रिज्यखंड की लंबाई है। देखो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे? जब भी कभी त्रिज्यखंड की लंबाई आपको बताना है ना, तो हम क्या करते हैं बताओ जरा भाई, क्या करते हैं? क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं बताना है, त्रिज्यखंड की लंबाई बताना है। तो त्रिज्यखंड की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? 2πr(θ/360, हमने आपको रटा रखा है ये चीज़, वैल्यू रख दो भाई, 2 × πr की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू
इक्कीस इक्कीस इंटू थीटा की वैल्यू एंगल 30 30 बटे 360, 0 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 1/12 बच गया। 7 3 कितना हो गया 21, 3 4 कितना हो गया 12, 2 2 कितना हो गया 4, और 2 से काट दिया भाई इसको 11 बार में, आंसर आ गया 11 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था ना, हाँ 11 सेंटीमीटर आपका सही जवाब है, नोट कर लो इसे, 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझ गए हो भाई, ये बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है जरा उसको समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू 16 की पावर -2 भागे 2 की पावर -3, इसको आपको हल करना है, इसको आपको हल करना है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको हल करके बताओ क्या होगा, जल्दी कोशिश कर लो। चलो देखो हम बताते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बेस बराबर करो, तो ये 2 की पावर 5 एज इट इज़ रहेगा, 16 को मैं 2 की पावर 4, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, 4 बार होगा ना, 2 की पावर 4 और इसकी पावर माइनस के 2, और भाग्य क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 की पावर -3 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि 2 की पावर 5 इंटू में 4 दुआ 8, 2 की पावर -8, और भाग्य में क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत है, यहाँ से करेंगे ऐड हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 बेस ये 5 प्लस -8 वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 2 की पावर 5 +-8 -+3, ये 3 ये 5 8 8 -8 0, 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, ये भी बताया, उत्तर कितना आएगा 1 आ जाएगा आपके प्रश्न का जवाब, प्रश्न का जवाब कितना आएगा 1 आ जाएगा, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा, ठीक है ना, नोट करो नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया क्लास का, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये कह रहा 1.2 3.5 14 का चतुर्थानुपात आपको बताना है, चतुर्थानुपात बताओ, ये है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चतुर्थानुपात भाई, चतुर्थानुपात क्या होता है, चौथी पोजीशन पर जो संख्या होगी वही चतुर्थानुपात, तीसरी पोजीशन पर जो संख्या होगी तृतीय अनुपात, दूसरी पोजीशन पर जो संख्या होगी द्वितीय अनुपात, और पहली पर जो होगी वो प्रथमानुपात, क्योंकि ये है क्या समानुपात, समानुपात क्या करता है, समानुपात दो अनुपातों की तुलना करता है, है ना। तो अब देखो जरा इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे तो ये 1.2 ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, 1.2 पॉइंट है यार, 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात, ये क्या हो जाएगा 14, अब चतुर्थानुपात मतलब चौथे पर वाले पे x लगा लेंगे। अब होता क्या, आउटर आउटर का गुणा इनर इनर का गुणा, इसका इसका गुणा इसका इसका गुणा, 1.2 3.5 इंटू के क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालो, आंसर 3.5 इंटू के 14 और डिवाइडेड बाई 1.2, है ना, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 7 14 2 6 12 हो गया, 2 6 12 2 7 14 कट रहा है 6 5 30। चलो इसको हम लिख लेते हैं, जब इसको लिखेंगे 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 3 21 22 23 24, 245 और बटे कितना आ जाएगा 6, सॉल्व कर लोगे जो आएगा आंसर, पॉइंट में कर लेना जो आएगा आंसर, है ना,
इनर इनर का गुणा 14 3 42 और 14 का आधा 7, 42 7 49, 49 डिवाइडेड बाई 1.2, 1.2 दशमलव हटा के 0, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4 और 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, 245/6। ठीक है भाई, सही है, इसको काट पीट लेना, आंसर आपका जो आएगा वही होगा, इसको काट लेना, पॉइंट में कर लेना इसको, डन हो गई बात ना। चलो लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, गुड नाइट बाबा, बाकी सब लोग रूम पे घर पे अपने पढ़ेंगे ना, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अब इसमें आपको चेक करके बताना है कि क्या 4, 16, 64 4, 16, 64 समानुपात में है ये आपको बताना है, समानुपात में है कि नहीं है ये आपको बताना है। भाई समानुपात में चीज़ें कब होती हैं, समानुपात में चीज़ें की कंडीशन होती कब होती हैं कि जब बाह्य पद का गुणनफल या प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं बराबर होगा अंतः पदों के गुणनफल के जब बराबर होता है तब वो संख्याएं क्या होती हैं, समानुपात में होती हैं, वो संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो बस चेक कर लो 4:16:64 ये अंतःपद और ये बाह्य पद। तो गुणा कराओ 4 4 16 6 हासिल 1 4 6 24 1 25 256 16 के स्क्वायर 6 4 36 6 1 6 2 12 3 15 1 1 256। देखो दोनों इक्वल है ना, तो इक्वल है अतः हम क्या लिखेंगे, अतः ये समानुपात में है, अतः ये क्या है, समानुपात में है। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, जो हमारा एक क्वेश्चन डाउटफुल था उसको हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे हमारी समझ से तो इतना ही आंसर आना चाहिए, या फिर हमने यूनिट कहीं पर गलत लिख दिया, क्वेश्चन मैंने ही गलत लिख लिया है, या फिर हो सकता है कि बुक में ही गलत हो, चांस सब किसी चीज़ के हैं, ठीक है ना। तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और वंदे मातरम।